बुढ़ानी साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि पलवल के ज्वलंत मुद्दे आप रोज कोई ना कोई एक ऐसा इशू उठाते हैं जिससे हमारी परिवार की पब्लिक की सेफ्टी के प्रशासन को आप चेताते हैं। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपको मैंने फ़ोन किया था क्योंकि हम लोग इस टाइम मेन चौक आगरा चौक पर खड़े हैं और मेरा घर भी यहीं है। आते जाते ही मैं बसें देखता हूँ, पूरे स्कूल, पूरे जितने पलवल जिले में जितने स्कूल हैं वहाँ की कोई ना कोई बस यहाँ से एक बार जरूर निकलती है। तो जिस हिसाब से कोरोना वापस लौट चुका है, जगह जगह लॉकडाउन शुरू हो गया है, स्कूल के प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बसों में देखा जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बच्चे हैं, हालांकि इनको कैपेसिटी से 30-40% बच्चे कम बिठाने चाहिए। चार की सीट है, तीन बच्चे बिठाओ, दो बच्चे बिठाओ, सेफ्टी उसी में है। मैनेजमेंट अपने लालच के चक्कर में कि हमारा कम खर्चा होगा स्कूलों में, हमारा पेट्रोल डीजल कम होगा या जो भी व्यवस्था है, उसके चक्कर में बच्चों के साथ, बच्चों के परिवारों की जान के साथ ये लोग खेला कर रहे हैं। आपके माध्यम से स्कूलों की मैनेजमेंट को, प्रशासन को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर ध्यान दें, इस पर टीम बनाए और बच्चों के जो सेफ्टी है कोरोना के चलते, उस पर प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। क्या मानकर चलते हैं कि इस मामले में प्रशासन क्या सख्त नहीं है? बिल्कुल प्रशासन सख्त नहीं है। प्रशासन के तो ये बिल्कुल अभी सोच में भी नहीं होगा कि पलवल में इस तरीके का काम चल रहा है। अगर सख्त होता तो ये काम शुरू होने से पहले ही रुक गया होता। प्रशासन को मैं निवेदन करता हूँ, डीसी साहब को निवेदन करता हूँ, इस पर ध्यान दें और इस पर तुरंत कार्रवाई करवाई जाए।